बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है मटन, बकरे का कीमा हम कराने जा रहे हैं। ये मटन सीख कबाब बना रहे हैं, ये इसमें मैं डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कीमे से पहले ये मैं धो के रखी थी मिर्चें, ये मैं डालूंगी। 2 किलो मटन है, इसमें ये मैंने 10-15 मिर्चें डाली हैं। ये मैंने इतना सारा अदरक डाला है, ये लहसुन है, ये सारी चीज़ें इसमें मैं डालूंगी। ये है प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी चीज़ें ऐसे मिक्स करूंगी, तो फिर बाद में मैं दूसरे मसाले डालूंगी। ये हम अभी इसमें कीमा करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी चीज़ें ऐसे मिक्स करके इसका कीमा करेंगे, फिर बाकी के मसाले इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैंने बताया था मटन और ये सारा मसाला, तो अभी हम लोग कीमा करवा के लाए हैं बाज़ार से। ये मेरे पास मशीन नहीं है, तो ये देखें सारी चीज़ें, अदरक लहसुन और मिर्चें थी सब्ज़ और प्याज था। ये 2 किलो मटन है, तो इसमें हमें ये सारी चीज़ें डाल के कीमा करवाया है मशीन से, बारीक बारीक। ये देखें इतना बारीक है। अब इसमें दूसरे मसाले डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें मसाले डालने के लिए ये नमक है, 2 चम्मच नमक है। ये है 2 चम्मच है पीसी हुई लाल मिर्च। ये हल्दी, ये कुटी हुई लाल मिर्च है। ये ज़ीरा पाउडर है, ये काली मिर्च है, ये गरम मसाला है, ये ज़ीरा है, ये नमक है। ये सारी चीज़ें मैं इसमें डालने लगी हूँ। ये देखें, इसके बाद ये सब्ज़ मिर्चें हैं बारीक बारीक कटी हुई। ये धनिया है बारीक बारीक कटा हुआ है, ये भी मैं इसमें ऐड करूंगी। ये घी है, मैंने इसको पिघलाया है। ये डालडा घी है, इसमें ऑयल नहीं डालना, ये घी डालना है इसमें। ये देखिए मैं इसमें घी डालूंगी। ये गरम करके थोड़ा सा पिघलाया है, ये मैं इसमें 2 से 3 चम्मच डाल रही हूँ। आपका जितना कीमा होगा उतना उस हिसाब से डाल लेना। ये 2 किलो है, मैंने इसलिए 2-2 चम्मच डाल लिए ये सारी चीज़ें। ये पाउडर है, ये मकई का आटा है, ये मैं इसमें डालने लगी हूँ। मैदा भी डाल सकते हैं और चनों का पिसा हुआ आटा भी डाल सकते हैं, गंदम का भी डाल सकते हैं, जो आपकी मर्जी वो डाल सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह हाथों से मिक्स करेंगे। ये देखें, हम इसको बहुत अच्छी तरह 5-7 मिनट इसको अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे, ऐसे ऐसे करके इसको। ये हम बनाएंगे मटन सीख कबाब कोले वाले, तो ये हम बनाने जा रहे हैं।
रानी ये देखे हमारे टिक्के तैयार हो गए हैं। ये अब मेरा तब नाने लगी हूँ, नान के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं। ये हमारे टिक्के तैयार हो गए।